आरक्षण का ऐलान होते ही निकल गई महिलाओं की जाति। मायावती से लेकर राबड़ी देवी तक ने उठाए सवाल। 33 के जगह 50% आरक्षण की मांग। क्या आरक्षण में से भी निकाल कर देना होगा एक और आरक्षण? संसद के पहले दिन ही अधीर रंजन ने ऐसा क्या बोल दिया कि हुआ जोरदार हंगामा। अमित शाह भी हो गए खड़े। नई संसद में पहुंचते ही पहले भाषण में पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण की घोषणा की, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों ने इसमें भी जाति ढूंढ निकाली। मतलब जहां रोड़ा ना अटक सके वहां भी रोड़ा अटका दो। विपक्ष का आजकल पता नहीं क्या हो गया है। जब महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर सके तो नई चीज निकाल कर ले आए। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने तुरंत अपनी टीम से एक ट्वीट करवाया। उन्होंने लिखा, महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतिहार और मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हों। मत भूलो, महिलाओं की भी जाति है। अब मायावती भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने कहा, पहले एससी एसटी और अभी ओबीसी आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उम्मीद है इस बार महिला आरक्षण बिल पास होगा। मैं केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे इस बिल का समर्थन करती हूं। एससी एसटी ओबीसी वर्गों की महिलाओं का कोटा अलग से सुरक्षित करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन वर्गों के साथ नाइंसाफी होगी। पीएम मोदी ने विपक्ष के गले में इस बार ऐसी घंटी बांधी है जिसे चाहकर भी वो निकाल नहीं पा रहे हैं। बेचारे चाहते हैं कि कोई आवाज ना हो, लेकिन वो फिर भी बजी जाती है। संसद में 33% आरक्षण का विरोध तो ये लोग कर नहीं सकते, तो नई नई चीजें निकाल कर ला रहे हैं। और इसमें बिहार वालों का सबसे फेवरेट है जाति। कुछ भी हो पहले जाति आनी चाहिए। उन्हीं को जातीय जनगणना का भी शौक चढ़ा है। उन्हीं को अब महिला आरक्षण में भी जाति दिखाई दे रही है। लेकिन इन सबसे बेफिक्र पीएम मोदी ने 27 साल से अटके बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। दरअसल करीब 27 सालों से लंबित महिला आरक्षण विधेयक अब संसद के पटल पर आया और पास हुआ। आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से कम है, जबकि राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। इस मुद्दे पर आखिरी बार कदम 2010 में उठाया गया था, जब राज्यसभा में हंगामे के बीच बिल पास कर दिया गया था और मार्शलों ने कुछ सांसदों को बाहर कर दिया था जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण का विरोध किया था। हालांकि यह विधेयक रद्द हो गया क्योंकि लोकसभा से पारित नहीं हो सका था। कांग्रेस ने इस बिल का हमेशा समर्थन किया और जब कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी बीजेपी ने समर्थन किया था, लेकिन कुछ और पार्टियों ने ओबीसी को लेकर इस जाति पर आपत्ति जताई थी। कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी ये बिल उनकी सरकार में पास नहीं हो सका था और अब कांग्रेस का वो अधूरा काम पीएम मोदी ने पूरा किया। इसका असर लोकसभा चुनाव पर क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस से एक ऐसा मुद्दा छीन लिया है जिससे सीधे देश की 50% आबादी जुड़ी है। गैस सिलेंडर और राशन से खुश घर चलाने वाली महिलाओं के बाद अब महिलाओं के लिए पीएम मोदी हीरो बन गए हैं जो घर से बाहर निकलकर पॉलिटिक्स में हाथ आजमाना चाहती हैं। फिलहाल सरकार ने महिलाओं को यह आरक्षण 15 साल के लिए दिया है और कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से इसे आगे बढ़ा देंगे।